स्टूडेंट्स, सो आज हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। सो बेसिकली आज हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सीड कैसे बनता है, फ्रूट क्या है, सीड फॉर्मेशन कैसे होता है, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे ताकि आगे भी बहुत सारे इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। सो पहले डबल फर्टिलाइजेशन को समझने से पहले हमने जो एंड्रोशियम एंड गायनोशियम देखा उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सो मान लो ये प्लांट है, इट इज हैविंग एन बाईसेक्सुअल फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर जिसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट्स होंगे। सो उसमें सबसे पहले मेल गैमेट्स की बात करते हैं, तो मेल गैमेटोफाइट दैट इज एंड्रोशियम, उसको माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं, वी ऑल्सो टर्म इट एज एन माइक्रोस्पोरोफिल। इसमें होता है एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट जो एंथर के साथ लगा हुआ होता है, ठीक है। सो दो चीज होती है, हमने देखी थी ये एंड्रोशियम होता है। इसका थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। मान लो ये जो एंथर है, मैं इसका नाम रख कर रहा हूँ, मैंने इस एंथर को यहाँ पे ऐसे डाइसेक्ट किया, ऐसे कट किया, ठीक है, मैंने ऐसे कट किया और उसका जो पीस है उसको यहाँ पे बनाऊंगा तो मुझे कैसे दिखेगा एंथर होल, ये बाहर की जो दीवार है वो मुझे ऐसे दिखेगी। और उसके अंदर आपको चार सेक मिलेंगे जिसको कहते हैं पोलन सेक। ये पोलन सेक के अंदर हमें बहुत सारे सेल्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे। दिस ऑल सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल दैट इज MMC। ये एक्चुअली होता है 2N डिप्लोइड स्ट्रक्चर होता है। ये पोलन सेक के अंदर ही मियोसिस करेगा और कैसे करेगा, ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC अंडरगोस डिवीजन चार सेल का। कभी कभी आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा डायग्राम में दिखाया जाएगा, तीन वैसे चार होते, चौथा जो होता है पीछे होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे चार दिखने वाला बनाएंगे, ये हो जाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रो स्पोर टेट्राड। कौन सा प्रोसेस हुआ, तो प्रोसेस इज मियोसिस, मियोसिस वन एंड टू। सो ये 2N था तो ये सारे के सारे N हो जाएंगे और फिर चारों के चारों अलग हो जाएंगे, विल गेट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ईच वन विल एक्ट एज ए माइक्रोस्पोर एंड विच in the end will generate as a pollen grain. So pollen grain कैसा होता है, अब ये microspore खुद ही क्या बनेगा, अपने आप को pollen grain बनाएगा। pollen grain कैसे बनेगा, ये एक और बार mitotic division करेगा। अब ये microspore एक cell, it is haploid, microspores are haploid। आप बोलोगे सर how it is haploid, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो पोलन सेक के अंदर थे उन्होंने मियोसिस किया तो डिप्लोइड हैप्लोइड हो गए। अब ये हैप्लोइड एक और माइटोटिक डिवीजन करेंगे तो हमें दो सेल का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, एक सेल जो ऐसे बीच में तैर रहा होगा जिसको हम कहते हैं जर्मिनेटिव सेल, एंड दूसरा जो सेल बड़ा वाला है वो है वेजिटेटिव सेल। और ये पूरा कवर एक बहुत ही हार्ड कवरिंग से कवर हो जाता है, दिस विल बिकम पोलन ग्रेन जिसको मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, मतलब मेल का गैमेट। ये जर्मिनेटिव सेल जो है वो फिर आगे जाके मेल, दो मेल गैमेट बनेंगे, एक जर्मिनेटिव सेल दो मेल गैमेट बनाएंगे, एक्चुअली दो सेल्स हैं, और जर्मिनेटिव सेल आगे जाके एक और बार डिवाइड करेगा और हमें दो मेल गैमेट्स देगा। तो दोनों अभी सब के सब एन, नंबर इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज एन। ये था हमारा मेल गैमेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीमेल गैमेटोफाइट। सो फीमेल गैमेटोफाइट समझने के लिए मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल
इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हम बात कर रहे थे ओवरी की, तो दिस इज ओवरी स्टाइल एंड ऊपर होता है स्टिग्मा। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो, या फिर आप कह सकते हो एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। ये ग्रीन कलर का जो है वो है ओव्यूल, ये बाहर ब्लैक कलर का जो बल्जी एरिया है वो है ओवरी, ये है अपना स्टाइल और ये है स्टिग्मा। जितने ज्यादा ओव्यूल्स उतने ज्यादा सीड्स, क्योंकि ओव्यूल्स के अंदर होते हैं एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक को पोलन ग्रेन के द्वारा फर्टिलाइज किया जाएगा तभी डेवलपमेंट आगे चालू होगा। तो जितने ज्यादा ओव्यूल्स उतने ज्यादा सीड्स, तो आप कोई फ्रूट में देखोगे एक ही सीड मिलेगा, मतलब उसमें एक ही ओव्यूल होगा और पूरा फ्रूट होगा। किसी किसी में देखोगे बहुत सारे सीड एक ही फ्रूट के अंदर, मतलब अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स है, मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो है, तो बहुत सारे पोलन ग्रेन या फिर मेल गैमेट की जरूरत पड़ेगी तो आपको ये मिलेगा। तो ये इसका इसके अंदर भी सेम होता है, इसका ये एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियो सैक, तो मैंने क्या बनाया, ओव्यूल बनाया था, ये पूरा ओव्यूल सेल से भरा हुआ होता है, कंप्लीट इज फिल्ड अप ऑफ ए सेल, उसमें से एक सेल डेवलप करता है एज एन एम्ब्रियो। क्यों? क्योंकि इसमें एक सेल होता है एमएमसी, दैट इज मेगा स्पोर मदर सेल, अगेन 2n। ये क्या करेगा, ये माइक्रोस मेगा स्पोर मदर सेल पहले तो चार में डिवाइड होगा, ये चार हमेशा लाइन में होते हैं, 1 2 3 4। प्रोसेस कौन सी हुई, मियोसिस। सेम इसमें भी माइक्रोस्पोर मदर सेल था, इसमें मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें भी चार मियोसिस के बाद चार मिलते थे, इसमें भी चार मिलते हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ पे ये तीन जो है ये तीन डीजनरेट हो जाएंगे, ओनली वन रिमेन। ये जो एक बचता है ये एक भाई साहब फिर एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। कैसे, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, मैं यहाँ पे इसको से बताकर दिखाता, इसका सेल के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। इसके बाद ये जो सेल है, एक बचा, तीन डिजनरेट हो गए, एक बचा, इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये तीन बार माइटोटिक डिवीजन करेगा। पहली बार माइटोटिक करेगा क्योंकि अब ऑलरेडी ये 2n था, ठीक है, तो ये सारे के क्या हो गए थे, n n n n n, सो दिस इज नाउ आवर n, ये यही सेल की बात करो, ठीक है। अभी इसके सेल के अंदर न्यूक्लियस की बात करो, यहाँ पे क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, मतलब ओनली डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस टेक्स प्लेस, कितनी बार, तीन बार माइटोटिक, क्योंकि आप तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो नहीं सकता, सी तीन बार माइटोटिक, मतलब पहली बार होगा तो दो सेल मिलेंगे, दो न्यूक्लियस हमें मिलेंगे, 1 2। वापस माइटोटिक करो तो हमें वापस दो चार मिलेंगे, तो 1 2 3 4। और तीसरी बार माइटोटिक डिवीजन कराओगे तो हमें सब के दो दो मिलेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। सो सेल अभी एक ही है, टोटल न्यूक्लियस कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ तक समझ आया, चलो अब इसका और थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो अभी भी सेल कितने हैं, सेल इज 1, बट नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज हाउ मच, नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज 8, सो 1 सेल, 8 न्यूक्लियस थे उसमें से 3 ऊपर चले जाएंगे, 1 2 3, 3 नीचे आ जाएंगे, 1 2 3, और 2 बीच में रह जाएंगे, 2 न्यूक्लियस ऐसे। अब सबका कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, अब साइटोकाइनेसिस होगा, मतलब डिवीजन होगा साइटोप्लाज्म का,
तो यहाँ पे ऊपर जो तीन सेल थे वो तीन अलग सेल बन जाएंगे, नीचे वाले दो अलग और एक सबसे अलग जिसको हम ब्लू कलर से दिखाएंगे यहाँ पे। और ये दो न्यूक्लियस, ये जो बड़ा वाला सेल है वो बड़े वाले सेल को हम एक सेल गिनेंगे और बाकी के छह छोटे छोटे सेल्स। तो टोटल सेल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये बड़ा वाला 7, 7 सेल न्यूक्लियस। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 न्यूक्लियस हो गया, राइट। 8 न्यूक्लियस हो जाएगा। तो अब तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कोई बात नहीं वो इजी हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बना ये पूरा बना एम्ब्रियो सेक। क्या बना, एम्ब्रियो सेक। दैट इज 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। सबके अगर नाम दू तो ये दो न्यूक्लियस का नाम होता है पोलर न्यूक्लियस, दिस आर एंटीपोडल्स, पोडल सेल्स, NTPODAL, पोडल सेल्स। एंड यहाँ पे दो ब्लैक कलर के आजू बाजू में दिख रहे हैं वो हो जाएंगे सिनर्जिड, सिनर्जिड सेल्स। एंड बीच में जो ब्लू है सबसे बड़ा वो अपना फीमेल गैमेट, दैट इज एग। एग एक ही मिलेगा, ये सब के सब सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन होगा, ये एन एन ये भी एन, सारे न्यूक्लियस का नंबर क्या होगा, एन। सो एग सेल का भी एन। तो अब हमारे पास दोनों चीज तैयार, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट इज इन द फॉर्म ऑफ एग इनसाइड एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इनसाइड ओव्यूल, ओव्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड ओवरी। एंड फीमेल गैमेट हमने बना लिया पोलन। चलो नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन इसके बाद वाले वीडियो में देखते हैं।